चैनल कौन कौन आ गया है एक सेकेंड एक सेकेंड तो यहाँ पे आ चुके हैं मोहानी जय एंड यशवंत पाटिल एंड पहाड़ी ब्रदर्स लाइव आ चुके हैं सारे के सारे आ चुके हैं तो गाइस आज आपको सुनाने वाले हैं लेट नाइट हॉरर स्टोरी तो बने रहे अरे ये पी के लवी भी चल रहा है क्या नहीं तो जो लोग हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं वो ध्यान से सुनिए अभी मेरे प्यारे प्यारे एक दो दोस्त और आ रहे हैं फिर एक साथ सुनाएंगे सबको हॉरर स्टोरी ज़्यादा लंबी नहीं है पाँच दस मिनट की होगी तो जब एक बार सारे आ जाएंगे तब सुनाते हैं शुरू करते हैं हॉरर स्टोरी बहुत ही प्यारी रहेगी हेलो भाई जल्दी सुनाओ अनु शर्मा हर्ष भाई आ चुके हैं क्या बात है तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सारे के सारे जल्द से जल्द शुरू करते हैं हॉरर स्टोरी तो ये मेरे एक सीनियर ने सुनाई थी मुझे एक बहुत ही भयंकर हॉरर स्टोरी उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा रुक जाओ बस सुनाना शुरू करते हैं एक सेकेंड रुक जाओ बस एक सेकेंड दो तो मुझे हॉरर को थोड़ा और हॉरर बनाए तभी तो मज़ा आएगा ये हंसते हुए चेहरे के साथ हॉरर का मज़ा नहीं आएगा है ना हॉरर हॉरर जैसा होना चाहिए तो हाय <laughs> तो ये ज्यादा डरावना है क्या अरे यार मुझे खुद को देख के डरना लग जाए एक तो मुझे भी डर लगता है ना खुद से तो गाइस आज बात करते हैं एक बहुत ही खतरनाक हेलो नवा कुमार शर्मा डर तो नहीं लग रहा <laughs> घर वाले कहीं ये ना बोले बाय गुड नाइट अरे डरो मत डरो मत चेंज करूँ क्या तो गाइज़ यहाँ पे एक बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ सुनने को तैयार हो जाओ सब आ चुके हैं ना एक बार यस 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 लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए कि सब लोग देख रहे हो है ना तो हम लोग एक स्टोरी सुनाने वाले हैं जल्दी सुनाओ भाई फनी लग रहे हो ओके <laughs> हर्ष भाई धन्यवाद अलग अलग आईडी से आने के लिए तो स्टार्ट करते हैं अब जो आगे आगे जो नहीं आया माफी चाहूँगा वो रिकॉर्डिंग देख लेना तो गाइज ये एक बात है जैसे मैं खुद मेरे जो सीनियर है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब मेरे सीनियर ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी और बहुत ही ख़तरनाक बहुत ही भयंकर स्टोरी है आई होप आपको डर लगे ना लगे वो आपके ऊपर है स्टोरी शुरू करते हैं ठीक है तो क्या हुआ एक बार एक बिज़नेस मैन था वो अपनी फ्लाइट से जा रहा होता है अपनी बिज़नेस मीटिंग के लिए तो वो जब पहुंचता है लैंड करता है अपने होटल रूम जाता है तो वहाँ का मैनेजर कहता है कि सर आपका रूम ऊपर से पाँच सौ तीन है तो वो जाता है देखता है अपना रूम तो बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन होता है आ, मतलब जब बैठता है वहाँ पर रेस्ट करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि यार कितना अच्छा एम्बियंस है फिर उसके बाद उसकी दीवार में उसे एक होल दिखता है वो कहता है यार इतना अच्छा मकान मतलब इतना अच्छा फ्लैट है और उसमें अचानक से ये होल वगैरह कहाँ से आ गया तो वो कहता है कि एक बार देखता हूँ क्या दिख रहा है इससे तो जब वो होल से देखता है तो उसे दिखता है कि उसके बगल वाले रूम का मतलब उस उधर से पूरा व्यू दिखता है तो जो उसका बगल वाला रूम था वो उससे भी अच्छा था इतना अच्छा और वो जब देखता है तो हर चीज़ मतलब उसे दिखती है यार कितना अच्छा है ये अच्छा है तो कुछ करीब बजे करीब उसने देखा था तो उसे दिखा कि वहाँ पे कोई लड़की है जो कि पियानो बजा रही है और इतना प्यारा पियानो इतना प्यारा पियानो वो तो मतलब फ़ैन हो गया उसका कि यार कितना अच्छा है तो वो क्या करता जब अब फिर उसके बाद ये सुनने के बाद वो जाता अपना आराम से अपनी मीटिंग वीटिंग अटेंड करता फिर उसके बाद उसने क्या किया कि वो मीटिंग अटेंड करने गया फिर वो आता था शाम को फिर से वहीं की होल से देखकर उसका मतलब पूरा एक हफ़्ता उस होटल में गया और वो यही उसका रूटीन था कि जब भी बिज़नेस मीटिंग करके आए तो उसको सुनता रहता था उस म्यूज़िक को सुनता रहता था उधर से देख देख के उस लड़की को देख के इंजॉय करता था तो एक दिन क्या हुआ ऐसे ही उसने मैनेजर को बोला कि यार आपका मतलब जो बहुत ही अच्छा होटल है और मैंने क्या किया तो वो कहता है कि बहुत ही अच्छा होटल है और आपके जो हमारे मतलब मेरे जो बगल में जो लड़की रहती है वो बहुत ही अच्छा पियानो बजाती है बहुत ही अच्छा गाना गाती है तो आप मुझे इंट्रोड्यूस करवाइए उनसे तो वो कहता मैनेजर कहता सर आपके बगल में तो कोई रहता ही नहीं है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं मतलब आपके बगल में तो ऐसा वो रूम तो कब से खाली पड़ा है वहाँ पे तो एक्चुअली किसी ने सुसाइड कर ली थी तो ऐसा बोलता है वो तो यार वो मैनेजर मतलब जब मैनेजर ऐसा बोलता है कि सुसाइड कर ली थी क्या बोले जा रहा है ये क्या बोले जा रहा है ये मतलब ऐसे मज़ाक कर रहा है क्या बिज़नेस मैन मानता ही नहीं कि यार मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ इतने टाइम से देख रहा हूँ कि वो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि यार आ, मतलब आ, आप खुद समझ जाओ ना कि एक हफ्ते से कोई आप देख रहे हो किसी चीज़ को वो मान ही नहीं रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है तो वो क्या करता है जाता है सेम वही छः बजे रहते हैं ठीक है अपने रूम में जाता है वो कह रहा है मैनेजर यार उल्लू बना रहा होगा डराने की कोशिश कर रहा होगा हम डरते डरने वालों में से थोड़ी ना है तो उसने क्या किया वो जाता है और बोलता है कि फिर से छः बज चुके होते हैं पियानो की आवाज़ आती है तो वो उस की होल से दोबारा से देखता है अब वो जब देख रहा होता है ना आराम से की होल से देख रहा होता है तो कह रहा है यार हमेशा देखता था तो पूरा बैकग्राउंड वाइट दिखता था लड़की पियानो दिखाती रहती थी सब कुछ होता था तो आज ये बैकग्राउंड रेड 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 सा क्यों है तो वो मतलब समझ ही नहीं पाता यार मतलब इतने दिन से देख रहा हूँ इतने दिन से देख रहा हूँ सब कुछ बैकग्राउंड वाइट पूरा अच्छा सा सब कुछ दिख रहा था आज सब कुछ रेड क्यों दिख, तो दिख रहा है तो भाई वो जो रेड दिख रहा था ना वो उस लड़की की आँख थी वो उसे देख रही थी भाई ये थी स्टोरी तो वो लड़की आज उसे देख रही थी क्योंकि उसे सच पता चल गया था हमेशा से वो उसे देख रहा होता आज लड़की उसे उल्टा देख रही थी तो ये जब मैंने सुनी थी ना स्टोरी भाई मेरे होश उड़ गए थे और आपको कैसी स्टोरी लगी ये मुझे ज़रूर बताना लिख के बताओ ला लाख की कहानी टाइटल <laughs> का नाम स्टोरी भले ही हॉरर होगी पर स्टोरी सुनाने का ढंग बेकार है मोहनल कंठालिया जी सॉरी माफ़ी चाहूँगा अभी स्टोरी टेलर बने नहीं हैं बन जाएंगे धीरे धीरे आप लोगों के साथ अब समझ आप इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर पाए और कम मार्क्स आए क्योंकि आपकी सीनियर गोस्ट स्टोरी सुना रहे थे नहीं नहीं यार मैं सेवेंटी मार्क्स से पास हुआ हूँ सेवेंटी पॉइंट सिक्स ज़ीरो इंजीनियरिंग में पढ़ाई में पीछे नहीं रहा चिंता मत करो आपका भाई पढ़ाई में तेज़ है बट पसंद वही चीज़ें आती है जो हम करते हैं ना लोगों से मिलना लोगों से बातें करना लोगों के साथ एंजॉय करना इसमें ज़्यादा मज़ा आता है भाई की होल दीवार में कैसे आया और ये स्टोरी बिज़नेस खुद सुनाने आया था नहीं यार ये स्टोरी रियल स्टोरी नहीं है बट मुझे मेरे सीनियर ने सुनाई थी और जब ये वाला लाल आँख वाला बताया था ना तो उस चीज़ को हमने फ़ील किया कि भाई सोचो अगर हम किसी को देख रहे होते और अचानक से वो हमें देखे वो भी मरने के बाद तो कैसा लगता है तो मतलब ये माहौल होता है यार अभी तो शायद लाइव स्ट्रीमिंग में, में मेरा चेहरा देख के हंसी आ रही हो आपको <laughs> तो इसलिए शायद जब मैंने सुनी थी ये बात तो भाई मेरे तो घूसबम्स आ गए थे और जब मैंने सुना था तब बिल्कुल अंधेरा लाइट नहीं थी कुछ नहीं था छी <laughs> <जी? laughs> तो गाइस अब आपको एक टास्क करना अरे यार। हाँ तो गाइस अब आपको एक टास्क करना है अगर आपने ये टास्क नहीं किया तो आप लोग तो गए ठीक है आप लोग तो गए अब आज का टास्क सुन लीजिए आपका क्या है आपको वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है ठीक है सिंपल सा टास्क है चिंता मत करो उसके बाद आप लोग जा सकते हैं स्टोरी भले ही आज मार्केट क्या टूटा है मॉल कंटा लीजिए आप मार्केट में डील करते हैं ट्रिकेट इंसान स्टोरी टाइम <laughs> सिद्धार्थ शर्मा कह रहे हैं ट्रिगर्ड ट्रिगर्ड इंसान स्टोरी टाइम रोने वाला और अमन रावत स्टोरी टाइम हंसने वाला <laughs> तो गाइज आज आपका टारगेट है कि आपको वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाओ या फिर कहीं पे भी स्टोरी लगाओ फैला दो बस हैं जय हिंद जय भारत तो मज़ा आया यार आप लोगों के साथ कैसे लगी ये फ़नी स्टोरी <laughs> कह रहे भाई आपने तो हॉरर को भी फनी कर दिया भाई की होल दीवार में कैसा रहा और ये बिज़नेस मैन खुद सुनाने आया था क्या आज मार्केट टूटा यशवंत पाटिल इज़ बैक ऑन द स्ट्रीम तो गाइज़ आपको बता दें आज का टारगेट है आपका वीडियो को लाइक करना बिना दस लाइक किए गए तो सोच लेना सपने आएंगे भूत के वीडियो पे दस लाइक होने चाहिए वरना भूत के सपने आएंगे मॉन कंठालिया जी अभी सीख रहा हूँ तीन महीने जब अट्ठारह का हो जाऊँगा तब ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा कर फिर करूँगा रेगुलरली ट्रेड ओके बाकी मॉल कंठाली जी आई विल टेल यू अबाउट सम ऑफ माई एक्सपीरियंस अबाउट द ट्रेडिंग ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा टिप दे सकता हूँ अरे राम ये क्या हो गया माफी चाहूँगा ज़्यादा डरना दर, मत भाई आपके पास ट्रेडिंग के बीच शेयर्स फिर वो सेल कर दिया आप ये फिर होल्ड कर रहे हो मैंने बताया था क्या मेरे पास बीस शेयर हैं ट्राइडेंट के अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ बीस शेयर और मेरे पास अदानी विलमार के शेयर्स हैं एंड यू you नो know, मेरे को आई पी ओ अलाउट हुआ था आई पी ओ अलॉट हुआ था भाई मेरे पास अदानी के शेयर्स हैं अदानी विलमार के शेयर्स और मुझे आई पी ओ अलाउट हुआ था सिक्सटी फाइव शेयर्स हैं मेरे पास और उसमें से वो मुझे टू थर्टी के पड़े हैं और हंड्रेड रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है पर शेयर तो सिक्सटी फाइव इंटू हंड्रेड मतलब छः हज़ार से ऊपर का प्रॉफिट मुझे भी बताओ भाई मुझे भी बताओ मुझे भी इंटरेस्ट है वैसे मेरे पास ट्वेंटी लाख ,00 के शेयर हैं मेरे पास ट्वेंटी लाख ,00 के शेयर हैं क्या बात है शानदार शानदार सिद्धार्थ शर्मा जी अदानी मिलमार के मुझे भी हुए मैंने थ्री एटी रुपे सेल किए थे सिक्सटी फाइव मोहन कंठालिया जी क्या बात है क्या बात है मैं चार सौ सोलह पे सोल्ड करने की कोशिश कर रहा था फिर मैं मतलब सोच रहा था कि करूँगा बट नहीं किया मैंने मैंने सोचा कि उसे करूँगा तो आराम से चार सौ से ऊपर करूँगा चार सौ पंद्रह नहीं चार सौ उन्नीस तक गया था भाई चार सौ उन्नीस तक गया था अदानी का शेयर तो मैंने सोचा कि उसे चार सौ उन्नीस में बेचूँगा और जब सोचा तब तो वो क्रैश ऐसा हुआ थ्री फिफ्टी टू थ्री फिफ्टी तक चला गया था मेरा हार्ट अटैक आ गया मैंने कहा यार ये क्या हो गया चार सौ एक्चुअली ना यार उसकी डेट आने वाली है जैसे अभी डेट आ गई थी ना फोटीन फेब को उसकी एक मीटिंग हुई थी बोर्ड्स की तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे कुछ बताएंगे और जब बताएंगे तो अगर अच्छी रिज़ल्ट आई तो मार्केट और अप जाएगा और अच्छी रिज़ल्ट आई है उसने चार हज़ार करोड़ का प्रॉफिट कमाया है और कल देखना आई गेस बूम हो तो चार सौ से पार दोबारा जा सकता है और आई होप कि ये शेयर दो हज़ार तक भी पहुँच जाएगा एक साल के अंदर देखना टाटा पावर के शेयर ऊपर जाने वाले हैं फॉर श्योर वह एक महीने बाद देखना सिद्धार्थ शर्मा ओके टाटा पावर अभी डाउन चल रहा है बाकी आ, उसका क्या हिसाब है यार आप लोग सुजलॉन एनर्जी के बारे में पता है आपको सुजलॉन एनर्जी और यस बैंक पे कौन सोच रहा है वैसे तो यस बैंक पे पैसा डालना बेकार ही है अभी पर शेयर सस्ता चल रहा है पापा के साथ करता हूँ फिर खुद का अकाउंट खोलूँगा मोहन कंठालिया जी गुड 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 ट्रेडिंग सीखिए बहुत ही अच्छी चीज़ है एक दिन में दस हज़ार बीस हज़ार कमा सकते हो ट्रेडिंग से पर एक लाख गवा भी सकते हो तो सोच समझ के पूरा पापा से सीख साख के मुझे ही बताना कुछ टिप्स है ना मज़ा आएगा रिलायंस के शेयर्स सेफ़ हैं बट रिटर्न कम है हाँ मोहन कंटालिया जी मेरे पास रिलायंस पावर के थे दो हज़ार छब्बीस शेयर्स बट फिर मैंने उसे बेच दिया एक्चुअली क्या हुआ था वो बड़े थे मेरे मैंने बारह के लिए थे और वो सत्रह के हो गए थे फिर मैंने सोचा कि यार रख लेता हूँ बढ़ेगा बढ़ेगा बड� बढ़ेगा फिर वो पंद्रह के हुए मैंने बेच दिए फिर टाटा पावर में दस बिलियन इन्वेस्ट करेंगे अदानी ओके टाटा पावर में अच्छा अदानी इन्वेस्ट करेंगे टाटा पावर में क्या बात है यस बैंक में डालना मतलब आगा मेन खेलना आग में खेलना मेरे पास नहीं है बीस लाख मजाक कर रहा हूँ पता है मुझे पता है तो आप बताओ कोई शेयर जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ ज़्यादा होल्ड ना करना पड़े मॉल कंठालिया जी देखो जिसमें आपको ज़्यादा होल्ड ना करना पड़े तो मैं आपको बता दूँ कोई भी आप एनर्जी का शेयर उठा लो एनर्जी से रिलेटेड जैसे सोलर एनर्जी हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी हो मतलब जो विंड एनर्जी वाले हैं आजकल ना एनर्जी पे ज़्यादा वो है ख़ुद सोचो देखो आप लोग खुद सोच सकते हो एनर्जी पावर ये सारी चीज़ें आप लोग खुद इन पर इन्वेस्ट करो तो आपको दो या एक साल के अंदर अच्छा रिटर्न मिल जाएगा मेरे हिसाब से बाकी मैं कोई वो नहीं हूँ <laughs> इन्वेस्टर मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कहीं बोलो भाई अमन भाई आपने बताया और यहाँ पे लॉस हो गए <laughs> कभी कभी भाई हम खुद भी लॉस में चल रहे होते हैं अगर लॉस में चलो तो होल्ड करो और सही टाइम पे निकल जाओ तो निकल सकते हो और नए शेयर पे लगा दो है ना तो जय हिंद जय जै भारत लिखने का समय आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों हॉर स्टोरी कैसी लगी दिल से बताना अगर अच्छी नहीं लगी हो तो मैं अगली बार अच्छी स्टोरी लाऊंगा और अच्छे से सुनाऊंगा हसूंगा नहीं भाई आप भी बताओ भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट करो उसमें गूगल पैसा डालेगा भारतीय एयरटेल एयरटेल में एयरटेल का शेयर सात सौ सात सौ उनतीस रुपये का यार इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा आप तो अमन भैया को बिल्कुल ही पैसे वाला समझ रहे हो इतना पैसा नहीं है भाई सात सौ रुपये का एक शेयर है यार उसका मैं पहले सोचा था जी आर इन्फ्रा पे इन्वेस्ट करूँगा फिर फैमिली ने मना कर दिया और उसका रिटर्न हंड्रेड परसेंट गया तो मोहन कंठाली जी आपको बता दूँ कि कभी 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 अपने दिल की भी सुन लेनी चाहिए थोड़ा ले लो ऐसा नहीं कि पूरा पैसा ही डाल दो सारा थोड़ा ले लो जब आपका मन कह रहा है ना तो मान जाओ थोड़े से मन को और इन्वेस्ट कर सकते हो आपकी कॉल है ठीक है लॉस होगा आपका होगा प्रॉफ़िट होगा आपका होगा ठीक है तो उतना ही लगाओ जितना है ये नहीं कि एक लाख रुपए तो एक लाख लगा दिए दस रुपए हैं तो दस के दस लगा दिए नहीं दस है तो पाँच लगाओ ठीक है पाँच लगा के अगर दस कमा रहे हो तो फिर पाँच लगा दो दस निकाल लो एयरटेल में मत करना एयरटेल बहुत महंगा यार आज तो एम भी नेगेटिव में गया था हाँ यार एम का तो शेयर क्या बोले चलो धन्यवाद आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा मॉनिल कंठालिया सिद्धार्थ शर्मा लव यू ऑल थैंक्स फॉर जॉइनिंग पहाड़ी ब्रदर्स लाइव चैनल और ये सॉरी ये तो अमन रावत वाला है तो अमन रावत वाले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना बाय बाय टेक केयर हैव नाइस डे जय जय जै हिंद भारत मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अलविदा ले, ले लें आप लोगों से आज तो एम एर एफ पे भी नेगेटिव में गया था चलो टेक केयर हैव नाइस डे बाय